सोनचिड़िया एक ऐसी फिल्म है जो शायद आपको सपनों में भी अकेला नहीं छोड़ेगी। फिल्म इतनी डार्क और रियलिस्टिक है कि इसे देखने के बाद आपके मन में हजारों सवाल जरूर आएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सोनचिड़िया फिल्म की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाकू, डकैत, इन सब के बारे में आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी आखिर होती कैसी है? आज से लगभग 40-50 साल पहले लोगों में डकैतों का इतना डर था कि पुलिस वगैरह को वो कुछ नहीं मानते थे। उनके लिए डकैत ही दुनिया के राजा हुआ करते थे। अब मैं आपको सोनचिड़िया की कहानी समझाऊं, उससे पहले ये डकैतों वाली लैंग्वेज के कुछ शब्द हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। बागी, देखिए बागी उसको बोलते हैं जो जिंदगी के सुख और आराम को छोड़कर बंदूक उठा लेता है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा गलत हो चुका है जिसका बदला इनको किसी भी कीमत पे चाहिए। बेहर्ड, देखिए अब ये जो डाकू डकैत हैं, ये हम लोगों जैसे शहर में नहीं रहते थे। डाकू रहते थे धूल मिट्टी में, वो भी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच। इनके इलाके हुआ करते थे जिनको बेहर्ड बोला जाता था। इनके रास्ते इतने खतरनाक होते थे कि अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर इसमें घुसने की कोशिश करते थे तो वो बीच रास्ते में ही मार दिए जाते थे। मुखबरी, देखिए जो डाकू डकैत होते हैं ये अक्सर गांव में जाकर लूटपाट करते हैं। ये गांव में घुसते ऐसे हैं कि कुछ लोग इनके साथी होते हैं जो इनको अपने घर में पना देते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनके गाँव वाले साथी ही इनको धोखा देकर इनकी खबर पुलिस को दे देते हैं। बस इसी धोखे को मुखबरी बोला जाता है। सरेंडर, इस इंग्लिश वर्ड का मतलब हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन डाकुओं की जिंदगी में सरेंडर का एक अलग ही मतलब था। सरेंडर के लिए कोई शर्म वाली या फिर कमजोरी वाली बात नहीं थी। अगर कोई डाकू सरेंडर करता है तो उसको सरकारी मेहमान बोला जाता था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देती थी। अब मैं आपको बता देती हूँ सोनचिड़िया की कहानी। देखिए फिल्म की कहानी 1975 में चंबल के बेहड़ से शुरू होती है। उस समय डाकू मान सिंह का गैंग सबसे खतरनाक माना जाता था। फिल्म में मनोज वाजपेयी डाकू मान सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं और इनके गैंग के दो खास लोग हैं, वकील सिंह यानी रणवीर शौरी और लखन सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत। डाकू मान सिंह को खबर मिलती है कि पास के गांव में एक शादी हो रही है जिसमें दहेज में सोने का लेन देन होने वाला है, तो मानसिंह का गैंग इस गांव में लूट करने के इरादे से घुस जाते हैं, लेकिन इनका साथी इनकी मुखबरी कर देता है और पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है। अब देखिए पुलिस फोर्स को लीड कर रहे हैं चंबल के नए दरोगा वीरेंद्र सिंह गुज्जर यानी आशुतोष राणा। अब ये नए दरोगा कोई ऐसे वैसे पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि इनकी मानसिंह के साथ एक पुरानी पर्सनल दुश्मनी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। आगे होता यह है कि मानसिंह को दरोगा वीरेंद्र सिंह एक घर में चारों तरफ से घेर लेता है और उनको गोली मार देता है। इस हमले में गैंग के 15-20 और लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन लखन सिंह और वकील सिंह भागने में कामयाब हो जाते हैं। मान सिंह की लाश को ट्रैक्टर में रखकर गांव में घुमाया जाता है जिससे लोगों में डाकुओं का डर कम हो जाए। अपने लीडर की मौत का बदला लेना तो बनता है, इसीलिए वकील सिंह जो कि गैंग का नया लीडर है वो मन बनाता है मुखबरी करने वाले साथी की जान लेने का और दरोगा वीरेंद्र सिंह को सबक सिखाने का। लेकिन लखन सिंह इसका उल्टा सोचता है, उसका मानना है कि उनकी पूरी गैंग को सरेंडर कर देना चाहिए। चंबल के बेहड़ में एक दिन बाहर से एक औरत घुस आती है जिसका नाम है इंदुमती तोमर यानी भूमि पेडनेकर। इंदुमती के साथ एक 12 साल की छोटी बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ है और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। इंदुमती वकील सिंह से मदद मांगती है और बोलती है कि वो उनकी ही जात ठाकुर से है। अब ये जो डाकू डकैत होते हैं इनके लिए जात पात बहुत मायने रखता है, इसीलिए वकील सिंह उसको अपने साथ ले लेता है और छोटी सी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन बाद में सच कुछ और ही निकलता है जब पता चलता है कि इंदुमती अपने ससुर को जान से मारकर डाकू के पास भाग गई थी। दरअसल इंदुमती का ससुर उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप करता था जिसे वो अपने साथ ले आई थी। अब इंदुमती को वापस ले जाने के लिए उसके गांव से लोग वकील सिंह के पास आ जाते हैं। वकील सिंह तो इंदुमती को वापस लौटाने के लिए मान जाता है, लेकिन लखन सिंह उस बच्ची को वापस देने के लिए तैयार नहीं होता। इस बात से गैंग के दो हिस्से हो जाते हैं और लखन इंदुमती और छोटी बच्ची को लेकर जंगलों में भाग जाता है। इसके बाद वीडियो में स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अगर आप फिल्म को थिएटर में जाके देखना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। अगर आप पूरी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखिए लखन का इस बच्ची से इतना गहरा कनेक्शन क्यों है, इसका राज जान लीजिए। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ समय पहले मानसिंह का गैंग एक छोटे से गांव में अपने दुश्मन को जान से मारने गया था। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे खुद मानसिंह और लखन सिंह। अपने दुश्मन को मारने के चक्कर में ये लोग इतने अंधे हो गए थे कि गलती से इनसे कुछ मासूम बच्चों के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। दरअसल एक बंद कमरे से पटाखों की आवाज आती है और दुश्मन की गोलियां समझकर मानसिंह उधर गोलियां चला देते हैं जिसमें बच्चे मर जाते हैं। देखिए जो डकैत होते हैं इनके लिए सबसे ऊपर आता है धर्म, और धर्म में सबसे बड़ी बात है औरतों और बच्चों पर कभी हमला ना करना। ऐसे में जब मानसिंह और लखन सिंह से गोलियां चल जाती हैं बच्चों के ऊपर तो वो अंदर से टूट जाते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करें यही सोचते रहते हैं। अब देखिए जो बच्चे मरे हैं इनमें से एक चंबल के दरोगा वीरेंद्र गुज्जर की बेटी भी थी, इसीलिए वो हाथ धोकर मानसिंह के गैंग के पीछे पड़ा हुआ है। वो गैंग के किसी आदमी को जिंदा नहीं पकड़ना चाहता, वो बस उनकी जान लेना चाहता है। ये जो छोटी बच्ची
इंदुमति के साथ है, इसकी जान बचाकर लखन अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और बागी के जीवन से मुक्ति पाना चाहता है। इस लड़की का नाम है सोनचिड़िया, वो सोनचिड़िया जिसको हर बागी तलाश कर रहा है जो उसे इन जंगलों से आजाद कर देगी। फिल्म के क्लाइमेक्स में होता यह है कि वकील सिंह के सामने एक सच का खुलासा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि मानसिंह जानबूझकर मौत के मुंह में गए थे जब उन पर गोली मार दी गई थी। वो अपनी उसी गलती को सुधारना चाहते थे जिसमें उन्होंने बच्चों पर गोली चला दी थी। वकील सिंह इस बात को सुनने के बाद मन बना लेता है लखन के साथ मिलकर सोनचिड़िया की जान बचाने का, लेकिन तब तक पुलिस उनको हर तरफ से घेर लेती है। इसमें वकील सिंह से लेकर लखन सिंह सबको पुलिस वाले जान से मार देते हैं, लेकिन सोनचिड़िया हॉस्पिटल तक सलामत पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है। देखिए, फिल्म की सबसे खास बात है सभी एक्टर्स की धमाकेदार एक्टिंग, मतलब एक सेकंड के लिए भी आप अपनी आंखें फिल्म से हटा नहीं सकते हैं। फिल्म का डायरेक्शन भी कमाल का है, ऐसा लगता है कि मानो हम खुद ही बागियों के बेड़ में बैठे हुए हैं। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है इसका स्लो स्क्रीन प्ले। कुछ लोग होते हैं जिनको स्लो पेस वाली फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है सोनचिड़िया के साथ। लेकिन मेरी बात मानिए तो इस फिल्म को जरूर देखिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसे भुला नहीं पाएंगे। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।